हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपनी बिलक अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के ला के मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। कोलकाता बलात्कार और हत्या बर्बरता कांड में हैवानियत की ये हद थी। एक हद उन दरिंदों ने उस रात तोड़ी थी बेटी के खिलाफ, और एक हद कोलकाता पुलिस ने दिन के उजाले में तोड़ी। सबसे तीखे सवाल पीड़ित परिवार की तरफ से उठ रहे हैं जिन्होंने अपने होनहार बेटी को खोया है। न केवल खोया बल्कि उसके साथ जैसी हैवानियत की गई वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। परिवार का आरोप है कि उसे घंटों इंतजार करवाया गया, सच नहीं बताया गया, कहा गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कोलकाता पुलिस लग गई थी परिवार को बरगलाने में, सच छिपाने में। देश गुस्से में है और देश भर में डॉक्टर आंदोलन है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और देश भर में डॉक्टर आंदोलित हैं। मेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, एक आदमी का काम नहीं, ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देश पूछ रहा है कई सवाल, सवाल उस कोलकाता पुलिस से जिसने जांच नहीं लीपा पोती की, जिसने इंसाफ नहीं कुकर्म देख कर अनदेखे की, जिसने बलात्कार गला घोटने को सुसाइड अननेचुरल डेथ बना दिया। आरोप है कि खुद ही कोलकाता पुलिस ने अपने हाथों से इंसाफ का गला घोट दिया, और पोस्टमार्टम देखने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सिर्फ रेप नहीं गैंग रेप है। ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है, there is every possibility of involvement of multiple men. Exactly, we are appealing that only, that ये गैंग रेप होने का possibility ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में पुलिस और ममता सरकार का प्रशासन कितना संवेदनहीन इस पूरे मामले में रहा है, ये धीरे धीरे साफ हो जाता रहा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के दौरान जान गंवाने वाली डॉक्टर के रिश्तेदारों की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले डॉक्टरों के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, फिर अस्पताल बुलाया और 3 घंटे तक बैठा कर रखा। ये प्रशासन की संवेदनहीनता थी जो बरगलाने में लगा था। वही डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोमवार को इस्तीफा दिया, तो कुछ ही घंटे में ममता सरकार ने प्रिंसिपल संदीप घोष का ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कॉलेज कर दिया। इसी के बाद पूछा जाने लगा कि क्या प्रिंसिपल पर मेहरबानी दिखाने की जल्दबाजी के पीछे कोई वजह है। कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो कल हाईकोर्ट ने केस CBI को सौंपते हुए कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस की जाँच में सबूत मिटा दिए जाएंगे। দোষী লোককে ফাঁসি দিন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু নির্দোষীদের যেন শাস্তি দেওয়া না হয় এটা মাথায় রাখবেন। 1000টা দোষী লোককে আপনি ধরুন, ফাঁসির কাঠে চড়িয়ে দিন, আমাদের কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না। কলকাতা মে হুই দরিন্দগি পর আক্রোশ থম নেহি রাহা, কই শহরো মে রেসিডেন্ট ডক্টরো নে বিরোধ প্রদর্শন কিয়া, ইনসাফ কে লিয়ে আওয়াজ বুলন্দ করি। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच CBI ने तो संभाल ली है, लेकिन सवाल ये है कि वारदात के 4 दिन के बाद क्या CBI के हाथ अहम सबूत लग पाएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने पुलिस जांच पर कई सवाल उठाए हैं। एक बहुत ही टोन डेफ मैनर में आरजीकर की अथॉरिटीज रिनोवेशन स्टार्ट कर दिए इन द रूम इन विच द क्राइम वाज कमिटेड, सो दिस क्लियरली सिग्नल्स अ टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। अब इस मुद्दे पर ऐसे सियासी बवाल भी छिड़ गया है
बीजेपी ने देश के सभी जिलों में 16 अगस्त को कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट में डॉक्टरों और महिलाओं के बीच असुरक्षा के माहौल का जिक्र किया है। राहुल ने भी अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोलकाता में बेटी के साथ बर्बरता कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। निर्भया कांड याद दिला दिया, लेकिन इस बर्बर कांड पर कोलकाता पुलिस ने लीपा पोती की शर्मनाक कहानी लिख डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।